हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक बार फिर से एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट को देखने जा रहे हैं। 13/1/2023 को एग्जाम हुआ था, ये शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है और किरण पब्लिकेशन के बुक से जो है हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर सेट जो है डेली बेसिस पे लगा रहे हैं और सेट नंबर 15 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक का जो वीडियो अपलोड किया गया है फ्रेंड्स, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पर दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और इसमें हम लोग जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चन जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक जो है देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 से दिया गया है। कह रहा है इसमें कि फास्ट फूड प्रायः वसा और किससे भरपूर होते हैं, फास्ट फूड प्रायः वसा और किससे भरपूर होते हैं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए अपूरित कैलोरी से ये भरपूर होते हैं फास्ट फूड, तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें देखिए कह रहा है कि एल्किंस के सामान्य सूत्र को पहचानिए, एल्किंस के सामान्य सूत्र को पहचानिए, तो एल्किंस के जो सूत्र होते हैं वह होते हैं CnH2n फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अगला प्रश्न है इसमें कि भारत में किसी लघु उद्योग को, खाली जगह दिया है, के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, भारत में किसी लघु उद्योग को किसके संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 खर्ची पूजा हो जाएगा। ठीक है, खर्ची पूजा जो है देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, खर्ची पूजा जो है फ्रेंड्स यह त्रिपुरा का एक हिंदू त्यौहार है, कहाँ पे मनाया जाता है ये, तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 खर्ची पूजा बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न दिया गया है इसमें कि भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1976 ईस्वी में से जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा। और 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में जो है इसका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है 1976 बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 26, देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है, भारत के संविधान की वह कौन सी अनुसूची है, तो वह अनुसूची है 7वीं अनुसूची। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची जो है वह शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों अर्थात संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित करती है, अनुच्छेद 246 के तहत, यह भी याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 7वीं अनुसूची बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एशिया के किस भाग में स्थित है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है, तो सही है ये भारत जो है ये दक्षिण एशिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की, निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की, तो इसकी मेजबानी जो है नेपाल ने किया था, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना है सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है, बिजली, ऑप्शन नंबर 2 जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद अगला प्रश्न फ्रेंड्स देखेंगे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण जो है वह किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो यह आयोजित किया गया था 2018 ईस्वी में। ठीक है, 2018 ईस्वी में जो है इसका पहला संस्करण हुआ था, ऑप्शन नंबर
तीन इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 31 में दिया गया है कि भारत में सहकारी बैंक राज्य उसके बाद खाली जगह है अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। भारत में सहकारी बैंक राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है, तो ये हो जाएगा सहकारी समितियाँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सहकारी समितियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो दो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और क्या शामिल होते हैं? दूरसंचार उद्योग में उपग्रह जो है वह क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और क्या शामिल होते हैं? तो इसमें देखिए वायरलेस नेटवर्क शामिल होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वायरलेस नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो सही है, इसमें देखिए दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने अभिसरण करती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया हुआ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखेंगे। 34 नंबर, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो सही हो जाएगा, देखिए पशुपति कुमार पारस जो है उस समय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगलो आदिवासी नृत्य कहाँ की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है? चांगलो आदिवासी नृत्य जो है वह कहाँ की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सही है, ये नागालैंड की जो है जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद है कि निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है, निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए दादा भाई नरोजी। ठीक है, दादा भाई नरोजी, देखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल सहित मुखर राष्ट्रवादियों की तिकड़ी को जो है लोकप्रिय रूप से लाल, बाल और पाल के रूप में जाना जाता था इन तीनों को। ठीक है, तो इसलिए दादा भाई नरोजी जो है देखिए ये अलग है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? तो ये किसको प्राप्त है? ये प्राप्त है यामिनी कृष्णमूर्ति को। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए खाली जगह दिया है, कह रहा है कि को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 16 जनवरी 2016 ईस्वी। ठीक है, 16 जनवरी 2016 को जो है शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया हुआ है ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? तो यह राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है, अश्व घोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की किनके दरबार में रहते थे? किनके दरबार में ये रहते थे? तो ये रहते थे कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब जो है फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये मैथ का क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक जो है मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 61 से यहाँ पे देखेंगे हिंदी का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा होगा? वाक्य दिया गया है, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, तो रेखांकित शब्द है मात्रा, इसके जगह पे जो है उपयुक्त शब्द कौन सा होगा उसका चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा 2, यानी कि संख्या होनी चाहिए, यहां पे मात्रा नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? संख्या होगा, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है,
यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? यहाँ पे प्रमुख का विलोम शब्द का जो है पूछ रहा है कि किस वाक्य में इसका प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यह उसके जीवन की गौण घटना थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, तो इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए, देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखिए इसके स्थान पर जो है शुद्ध वाक्य जो होगा वह होगा कि देश में सर्वत्र शांति होना चाहिए, यहां पे सर्वस्व नहीं होगा, यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए सर्वत्र। ठीक है, देश में सर्वत्र शांति होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, दिया गया है इसमें कि मुहावरों और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है? मुहावरों और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है? तो सही युग्म जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा कि बालू से तेल निकालना जो मुहावरा है, इसका सही अर्थ हो जाएगा असंभव को संभव करना। ठीक है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, असंभव को संभव करना। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ है ये बिल्कुल सही दिया गया है। और नेक्स्ट है कि निम्न वाक्यांश के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुने, वाक्यांश और वाक्य दिया गया है कि ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप, ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप, इसके लिए क्या करना है, उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो उपयुक्त शब्द यहां पे हो जाएगा सुतुरनाल। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुतुरनाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 66 में दिया गया है कि विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अग्नि का जो आग दिया गया यह सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, अग्नि का जो यहाँ पे आग दिया गया है ये सही सुमेलित नहीं होगा, इसका विलोम जो है फ्रेंड्स जो हो जाएगा अग्नि का आग नहीं, बल्कि अग्नि का क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे जल होना चाहिए, जल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द से बदले। वाक्य दिया गया है कि मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं, मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आशा नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है यह किसका खरगोश है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो इसका उचित अर्थ हो जाएगा धोखा देना, ऑप्शन नंबर 3 जो है देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें, उसने मेरे साथ क्या लिखा हुआ है, गद्देदारी की है, उपर्युक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, किस भाग में अशुद्धि है? तो देखिए अशुद्धि भाग जो हो जाएगा, ये गद्देदारी जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध वाक्य यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है गद्दारी इस तरह से नहीं लिखा जाता, यहाँ पे गद्दारी जो है इस तरह से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जो देखने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, जो देखने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, तो इसके लिए उचित शब्द हो जाएगा अदर्शनीय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिया हुआ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो वह हो जाएगा सीता यहां आ रही है, ऑप्शन नंबर जो 1 दिया हुआ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए, वाक्य है जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो, इसके लिए जो है उचित शब्द का चयन करेंगे, तो इसका उचित शब्द हो जाएगा अग्रणी, जो सबके आगे रहता हो, इसके लिए जो एक शब्द है वह कौन सा है, अग्रणी है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त एकार्थी शब्द युग्म द्वारा कीजिए, वाक्य है आदमी की खाली जगह है उसे सफल बनती है वही सफलता उसका योग है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया गया लगन, देखिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लगन और यहाँ पे हो जाएगा लग्न।
ठीक है, यहाँ पे लग्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो चार दिया हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 75 में दिया गया है कि मैं गेंदे की जगह नलिन के फूल देवी को अर्पित करूँगी। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? रेखांकित शब्द है नलिन और इसका कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द चूज करने के लिए, तो सही हो जाएगा कमल। नलिन का क्या होता है? कमल होता है पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अब यहाँ से देखिए 76 से 80 तक का जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो चलिए पहले इसका गद्यांश जो दिया गया है, इस गद्यांश को आप लोग सही से पहले पूरा पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, पूरे गद्यांश को जो है देखिए इसको पढ़ लीजिए पहले, और उसके बाद जो इस बेस पे जो क्वेश्चन बना हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो 76 नंबर में देखिए चार ऑप्शन जो दिया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक दिनचर्या हो जाएगा। 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार दैनिक। 78 का ऑप्शन नंबर चार अवसर जो दिया गया है ये सही हो जाएगा। और 79 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर समाचार ऑप्शन नंबर एक में सही हो जाएगा। और 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो जो सेतु दिया हुआ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेट है ये भी आप लोगों के लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उसके बाद रिविजन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद खुद से जो है उसे टिक लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।